आज है 16 फेब, और जैसे आपने ऑफिस में मेरे को देखा होगा, वो पिछले ब्लॉग में देखा होगा। अभी मैं घर आ गई हूँ और मेरे को इतनी ज्यादा भूख लगी है। एंड गेस व्हाट, मेरी फेवरेट सब्जी बनी है आलू मच्छी खाच। अभी ना मैं जैसे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हेलो छोगे, मैं सिमरन मेहता का नाम रखता, नामकरण करता। तू अपने बच्चे नामकरण नहीं करता। इधर नाम है गोलू। गोलू छोटे, तुसी मैनू मिस किता? हां जी, आई यू मिस मी, आई मिस यू टू, आई मिस यू टू। मैं वो देख पा रही हूँ जो आप ये देख रहे हैं, इसलिए मेरे को हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। ये देखियो, ये मैंने देखा ही नहीं, सारा फटा हुआ। ओके सो आज मैं मार्केट गई थी, मैं अपनी जीन्स भी लेके आई हूँ। अरे, और मैं फैमिली मेंबर नया लेके आई हूँ। फैमिली मेंबर मतलब जैसे कि इसका नाम गोलू है, एक मेरी सुंडी है। उन्हें नाम क्या रखा सी मैं, याद है कुछ? सरस्वती। सरस्वती। एक वो भी टैडी है मेरा, उसका मैं नाम भी भूल गई। एक मिनट सर, देखो मैं अभी दिखाती हूँ। और एक छोटी सी माऊ है मेरे पास, उसका नाम सुंडी है। हाँ, उसका नाम माऊ, उसका नाम नहीं याद था, उसका नाम माऊ। और इसका नाम, और ये नया टैडी लेके आई हूँ मैं, कितना क्यूट है ना। ये वैसे रकून है, तो मैंने इसका इसका नाम सोचा है। इसका क्या नाम रखे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे खड़ा हो जाता है, बेइज्जती ना करा मेरी। हो यो, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सुंडी को दे दूँ, सीमा की बेटी को। लेकिन अगर मेरा दिल नहीं किया तो मैं अपना इरादा बदल भी सकती हूँ। इसका नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या रखूँ क्या रखूँ यार। इसके डेलू रख देती इसका नाम, पर बहुत ज्यादा क्यूट है तो डेलू नाम पसंद नहीं है इसको। चलो चलो, आप बता देना क्या रखूँ। ठीक है, वैसे अभी फिलहाल के लिए नाम इसका नाम डेलू है। तो गोलू, डेलू, सुंडी और माऊ, चार जने हो गए मेरे पास। ये चार जने मैंने अलग अलग करके रखे हैं ताकि ये चारों जने लड़े ना। एक वो रहा बेचारा कपड़ों के नीचे दबा हुआ। और जब मैं छोटी ठीक होती है। थी ना, तो मेरे को टैडी का इतना शौक होता था, लेकिन मेरे पास कोई टैडी था नहीं। तो मेरे पास कोई टैडी था नहीं, तो हमारे पास ना एक तकिया होता था, एक इन्ना बड़ा लंबा जो गोल वाला तकिया होता ना वो। तो उसका मैंने नाम रखा सरस्वती। और जो मेरी सबसे बड़ी बहन है ना, हीना, और केतन मेरा भाई, ये दोनों इतना मारते थे उसको, उसके ऊपर चढ़ के ना उसको मुक्के कुसुन लातो जो हो सकता है उधर मारते सी। और मैं इतना ज्यादा रोती थी, मेरी सरस्वती को छोड़ दो, मेरी सरस्वती को छोड़ दो। और उन्होंने सरस्वती को वो जो जूते मारे ना, फिर एक बारी ना इतना रोई मैं, इतना इनको कोई शर्म नहीं आती थी, कोई इनको तरस नहीं आता था मेरे पे कि मैं रो रही हूँ तो मैं हट जाऊँ। दोनों ही इतना इनको मजा आता था मेरे को सताने में। तो एक बारी मैं इतना ज्यादा रोई तो मम्मी ने इन दोनों के छितर मारे, मेरे को बड़ा मजा आया। पर मेरी सरस्वती फिर मम्मी ने मेरे को दे दी। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसी गायब की वो सरस्वती। मेरी सरस्वती मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चलेगी वो। तो अभी भी, आज भी, तो मैं छोटी थी, मेरे ख्याल 12-13 साल की होंगी। तो आज भी ये दोनों याद करते ना, हम सरस्वती को मारेंगे। तो जैसे अभी मेरे मेरे पास टैडी है इन सारे, थोड़े से मतलब एक दो, तो फिर ये क्या करेंगे, ये दोनों बोलेंगे हाँ, शिव तू जा देख तेरे पीछे से हम कैसे इसके जूते मारते हैं। एक मेरे पास और था, वो मैंने सुंडी को दे दिया, उसका नाम मैंने रखा था कट्टू। कट्टू मट्टू रखा था उसका नाम, उसका नाम मट्टू था। हाँ, इसका नाम कट्टू रख देते हैं। हाय शबीरे, थैंक यू सो मच कि
कि मेरा नाम डेल्लू शहद के मत्तू हो गया। डेल्लू तो बहुत ही गंदा नाम था। किसी ने मुझे अडॉप्ट करना है? चले। ये सारे मेरे घर के सदस्य मेरे से ऐसे बात करते हैं। घर के सदस्य मतलब गुल्लू माऊ माँ। इसका नाम डेल्लू ज्यादा अच्छा है ना। डेल्लू ही है तेरा नाम? डेल्लू सुंडी मट्टू। मट्टू उसका नाम है वो व्हाइट वाले का। और सो सिमरन ने अपने बैलून का कोई नाम ही नहीं रखा तो हम उसका नाम रख देते हैं मोलू। मेरे मेरे इसका नाम गोलू, इसका नाम मोलू। मोलू बोरा। मोलू हाय करो सबको। हाय। मोलू बेचारे को कोई प्यार नहीं करता। उसकी जो रखवाली है वो उसको कोई प्यार नहीं करती। मैं इसको दिन रात सुबह शाम प्यार करती हूँ, है ना गुल्लू? हाँ जी मम्मा। मैं कुछ को बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा बकवास भी कर रही हूँ। सारे सोए हुए हैं और ऐसे सुन रहे होंगे कि ये क्या आधी रात को बोल रही है और मेरी जुबान में निकल रही और इतनी सुनसान हमारा घर इतना ज़्यादा सुनसान हमारा घर लग रहा है। सो अभी मैं सोऊंगी, मेरा हाथ दुख रहा है भाई। और एक इतनी इम्पोर्टेंट बात, एक मिनट, पहले मैं अपने घर के दरवाजे बंद कर दूँ। लीचट, तू हमारे घर में क्या करने आई है? तू क्यों आई है हमारे घर पे? निकल जा हमारे घर से। तफा मेरे ऊपर ही ना गिर जी। ओके सो बैठ जाती हूँ यार, तो थक गई। तो पता क्या हुआ, आज ना मैं एक्टिवा चला रही थी तो पीछे से ना ऑटो वाले ने मेरे बीच में मारा। मैं गिरी नहीं, मेरी एक्टिवा गिर गई। पर मानोगे जैसे हीरो नहीं एक हाथ से एक्टिवा पकड़ लेते, मैंने एक हाथ से एक्टिवा पकड़ी और एक हाथ से उठा ली। मैं पूरे रास्ते सोच के आ रही, आशू तूने ऐसा कर कैसे लिया? फिर मेरे को याद आया कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अगर मैं ना करती तो मेरी ये वाली बाजू ही उतर जाती अगर मैं एक हाथ से एक्टिवा पकड़ लेती। उसने एकदम से मारा, मैंने ब्रेक मारी, मैं से थोड़ा सा नीचे हुई, मतलब हम खड़े हुए थे क्रॉस कर रहे थे लाइटें, ठीक है? तो साथ में गाड़ी पर खड़ी थी, एक हाथ मेरा एक्टिवा को मैंने पकड़ा था, दूसरा मैंने गाड़ी के ऊपर से रखा, गाड़ी के ऊपर रखा। फिर मैंने ऐसे धूम धूम मचाले धूम मचाले धूम ऐसे वाली ट्यूनिंग बज रही थी मेरे मन में। तो मैंने फटाफट एक्टिवा सही की, पूरे रिश्ते सोच के आई। फिर मैं घर आके मम्मी को बताया, फिर मम्मी बोली वाह 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 रोज क्या कर। तो मैं कल आपको एक्सरसाइज भी दिखाऊंगी मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं, पर मैं पुशअप करती हूँ, हाफ नकली पुशअप, असली तो मैं सेक भी नहीं जाती। असली मार के देखिए एक, चलो मारते हैं। लाइटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बंदा सीखता। वो मैं फिसल गई थी, इसको थोड़ा पीछे कर। यार मैं फिसल तो रही हूँ और पीछे करती हूँ। नहीं बचता, ये फुल वाले पुशअप मेरे बस के नहीं है। दिखाती हूँ कि मैं कौन से मारती हूँ जो मैं हीरोइन बन रही हूँ। बस तीन या चार ही मार होते हैं, उसके बाद नहीं, फिर मेरे को थोड़ा रेस्ट करना होता है। तो चलो अभी मैं सुबह मिलूंगी, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट, आप भी सो जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी।
आप मत सोना, अगर आप सो गए तो फिर मेरा व्लॉग कौन देखेगा। सो हाय, आज है 18 और मैं अभी अभी उठी हूँ और मैंने ना थ्रेडिंग करवा लिया है, तो मैं थोड़ी सी सुधरी सुधरी लग रही हूँ। और कल है 19, कल मैं एक्सटेंशंस करवा लूँगी, तो ये वीडियो आपको 19 को देखने मिलूंगी। पता नहीं क्या। ओके सो अभी मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ और मेरे को चक्कर आ रहे हैं, लेकिन इस बार चक्कर कम आए। जैसे दो पौड़ियाँ चढ़ती थी मेरे को सात चढ़ने लग जाती थी, बट थैंक्स। तो बस अभी मैं तैयार होंगी, 9 बज गया जॉब पे जाने के लिए।